गाइस व्हाट्सअप, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं सचिन भट्ट और आप देख रहे हैं टेक्स 24। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं फ्लिपकार्ट पे कुछ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स जो कि आप ले सकते हो या खरीद सकते हो। इनकी रेटिंग्स अच्छे हैं, इनके कस्टमर वाइज जो इनका फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने सारी कैटेगरी से रिलेटेड मैंने इसमें प्रोडक्ट्स डाले हैं। हाँ, जो आपको पसंद हो मे भी वो छूट सकता है, लेकिन जो मुझे लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर मैंने इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ भी किए हैं, तो मैं अपना अलग से मैंने इन प्रोडक्ट्स को स्पेशली मेंशन किया है कि ये आप फ्लिपकार्ट ले सकते हैं, आपको ये अच्छे बजट में वैल्यू फॉर मनी में मिल सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जाइए सिंपल और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक रेड बटन होगा इस वीडियो के, वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब हिट कर दीजिए। ऑलरेडी मैंने सब्सक्राइब कर रखा है तो यहाँ पे सब्सक्राइब दिखा रहा है। सो दोस्तों, आइए हम देखते हैं जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, ये है फिलिप्स का एक इलेक्ट्रिक सेवर कह सकते हैं। ये वही चीज़ है, आपको ये बियर्ड बनाने में काम आएगी। और दोस्तों, जो इसकी प्राइसिंग है वो 1100 लगभग 1200 के करीब करीब में जिसकी प्राइसिंग है। इसको मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको 800 में लिया था जब ऑफ़र चल रहा था। तो अगर अभी भी आप लेंगे तो 26 जनवरी वाले दिन जो रिपब्लिक डे की जो इसकी सेल होने वाली है उसमें आपको यहाँ पे कम करके ये मिलने वाला है, मिल सकता है। यहाँ पे देखिए 87,000 के करीब करीब रेटिंग्स हैं और 87,000 लोगों ने रेटिंग दिया है और इसकी रेटिंग है 4.2 out of 5, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। और आप इसकी क्वालिटी भी जैसे देख सकते हो कि क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं अपना फीडबैक दे सकता हूँ कि एक साल से ज़्यादा हो गया लगभग और अभी तक इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये अच्छा खासा वर्क कर रहा है। सो दोस्तों, दूसरे पे चलते हैं। ये है ऑडियो टेक्निका का हेडफोन जो कि अब मिल रहा है 1500 में या 1600 में कह सकते हैं। पहले आपको 1200 तक में मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा वेट करें इसका प्राइस यहाँ पे और कम में मिल सकता है। सो इसमें भी रेटिंग्स आप देख सकते हो कि 4.3 रेटिंग है और यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी आप देख सकते हो ये ठीक है। ऑडियो टेक्निका अच्छा माना जाना हेडफोन बनाने वाला मेकर है। सो इसकी भी रेटिंग बढ़िया है, लगभग 1500 लोगों ने 4.3 रेट लगभग इसकी आई है आउट ऑफ 5 में से। सो ये भी आपको एक अच्छा चॉइस हो सकता है अगर आप बजट हेडफोन के लिए जा देख रहे हो तो, ये अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है या दे सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे रूटर, वाईफाई रूटर एक ज़रूरी है। आजकल हर किसी के पास वाईफाई रूटर तो होता ही है, अपने घरों में लगा के रखते हैं, उससे इंटरनेट चलाते हैं। तो यहाँ पे टीपी लिंक का एक बजट वाईफाई रूटर यहाँ पे आपको मिल सकता है जो कि 150 एमबीपीएस तक का आपको स्पीड प्रोवाइड करवा सकता है या सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। देन यहाँ पे जो हम इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी 20,000 रेटिंग है और रेटिंग जो है इसकी निकल के आती है 4.3, मतलब कि 20,000 लोगों ने इसको 5 में से 4 से भी ज़्यादा अंक दिए हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको ले सकते हो। ये बजट है, इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो जूम करके, ये देखिए यहाँ पे ये आ गए, ये इस तरह से कुछ प्रोफेशनल दिखने वाला है। देन आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, लेकिन यार हर किसी बंदे के घर में टीवी तो होता ही है और अगर नहीं है तो ये टीवी आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप देख सकते हो वीयू नाम तो सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये यार जानी मानी कंपनी नहीं है, लेकिन वीयू का नाम है। ये टीवी बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनकी जो टीवी होती है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, टीवी LCD LED टीवी जो भी कहें इसको। सो इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो 23,999 लगभग 24,000, और ये आपको अभी सस्ते में भी मिल सकता है अगर इसका कुछ सेल वेल चले तो। सो दोस्तों, बेसिकली आपको 43 इंच या 40 इंच से ऊपर की टीवी मिलती है जो वो आपको मिलेगा अच्छा मेरे ख्याल से 32,000-35,000। LG का आप ले लो तो 32-36 इस रेंज में मिलता है, लेकिन ये वीयू अच्छी, इसकी भी अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 1,000 लोगों ने इसको ख़रीदा है और 4.4 रेटिंग मिला है, तो इसका मतलब बढ़िया है। आउट ऑफ 5 में से 5 में से आपको 1,000 लोगों ने 4 से भी ज़्यादा अंक दिए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो, हालांकि इमेज में इतनी कुछ क्वालिटी दिखने वाली नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये फुल HD का टीवी है, ब्लू रे मूवीज़ अच्छी तरह चला सकता है। देन यहाँ पे USB, और अगर आपको इनके बारे में जानना हो तो मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक इन सब प्रोडक्ट्स का, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, जो हमारा ये है 1, 2, 3, 4, ये हमारा पाँचवा है, ये है कैनन का DSLR। इस DSLR को तो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और ये देख सकते हो इसकी जो अभी प्राइसिंग है 25,990, जब मैंने इसको ख़रीदा था तो ये था
21,990 में, और इसकी प्राइसिंग घटती बढ़ती रहती है। मे बी कुछ अगर आपको फ्लिपकार्ट पे सेल मिले तो यहाँ पे आपको आप ये सस्ता ले सकते हो या कोई और साइट भी देख सकते हो इसके अल्टरनेटिव में। लेकिन जब ये एक प्राइस होता है तो सारी साइटों पे आपको एक प्राइसिंग ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कम बेचेगा या कोई ज़्यादा बेचेगा। ये हो गया कैनन का 1300D। अगर इसकी मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 18 मेगापिक्सल का कैमरा, वाईफाई सपोर्ट करता है, देता है। मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना के भी डाल रखी है, आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का DSLR है और बजट में आपको इससे बढ़िया DSLR नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये माइक सपोर्ट नहीं करता। अगर आप वीडियो के लिए पर्पस के लिए ले रहे हो तो आप इसमें एक्सटर्नल भारी माइक नहीं लगा सकते। हालांकि जो इसका इस जो कैमरे का माइक है वो भी काफ़ी अच्छा आपको वर्क करके देगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आइए, ये है 431 रुपये में आपको मिलने वाला है डिलाइट का मल्टी कलर रिच लाइट्स। तो दोस्तों, ये बेसिकली ये फन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये लाइट्स हैं जो ये रिमोट से चलेगी। आप जैसे जिस रिमोट को दबाओगे उस कलर में ये लाइट जलने लग जाएगी। तो अगर आप इसको कुछ कहीं अपना घर डेकोरेट करना चाहते हो तो ये टेप टाइप में, टेपिंग स्टाइल में लाइट आती है। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पे, और हम कितने देख चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां। तो ये हमारा 7वां है दोस्तों। यहाँ पे आप, यह है इलेक्ट्रॉनिक वेट नापने वाला, आप इससे वेट नाप सकते हो। कोई हल्का फुल्का वेट है, हालांकि आप भारी वेट तो इससे नाप नहीं सकते, लेकिन हल्का फुल्का वेट इससे आप नाप सकते हो। तो हम 8वें के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सो ये है गेमिंग कीबोर्ड और माउस, हेडफोन कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो है जो कि आपको मिल रहा है 2499 में। ये एक अच्छा डील है और हर चीज़ आपको मिल रहा है। ये गेमिंग कीबोर्ड और माउस का पूरा सेट मिल रहा है आपको, तो ये एक अच्छा डील हो सकता है आपके लिए अगर आप इसके लिए देख रहे हो तो। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम स्मार्टफोन, क्योंकि बेसिकली हमारा चैनल ही लगभग फोकस है स्मार्टफोन के ऊपर। सो दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट प्रो। इसके स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आपको 7,000 रुपये में 3GB का रैम, 16GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है। देन यहाँ पे हम प्रोसेसर की बात करें तो हमें मीडिया टेक का MT6737 क्वाड कोर 1.3GHz का प्रोसेसर मिलेगा। 4000mAh की बैटरी मिलेगी जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग तक चलाने वाला है। और इसकी जो रेटिंग की बात करूँ तो 36,000 लोगों ने खरीदा है और 36,000 लोगों ने 4 रेटिंग दिया है, तो काफ़ी अच्छा खासा इसका रेटिंग है। इसका मतलब ज़्यादातर लोग सेटिस्फाई हैं। सो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी हमारा ये है फेमस MI का A1 स्मार्टफोन। मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ कर रखा है और जो इसका पोर्ट्रेट मोड है वो बहुत ही अच्छा है। इसका पोर्ट्रेट मोड लगभग DSLR की तरह ही है, एक सस्ता DSLR आप इसको कह सकते हो। सो दोस्तों, इसकी जो प्राइसिंग है वो 13,999 है। पहले 14,999 में आ रहा था, लेकिन अभी डिस्काउंट के साथ आपको मिलने वाला है। 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और 4GB रैम इसमें आपको मिलने वाला है। देन यहाँ पे एंड्रॉयड नॉगट 7.1 मिलने वाला है, स्टॉक एंड्रॉयड के साथ चलता है। हालांकि ये एंड्रॉयड 1 सपोर्टेड भी डिवाइस है, तो इसमें आपको अपडेट्स रेगुलर मिलने वाले हैं। देन यहाँ पे 3000mAh की बैटरी है, 12 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा है, और यही सब है। इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 625 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। सो दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है कि इसकी जो ऑपरेटिंग 2.5 लाख के करीब इसकी रेटिंग है और बहुत सारे लोगों ने इसको 5 में से 4 से भी ज़्यादा अंक दिए हैं। तो दोस्तों, ये एक टॉप का फ़ोन हो सकता है अगर आप इस फ़ोन को लेने के लिए देख रहे हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सीधा नीचे जाना है आपको वीडियो के, और वहाँ पे सब्सक्राइब का इस तरह से बटन मिलने वाला है, उसको आप हिट करिए। साथ में बेल आइकन भी होगा नोटिफिकेशन का, और वो दबाइए और हमसे बने रहिए, क्योंकि